ऋषि और आप भी खड़े ठीक है। रवि जी शुभकामनाएं देना चाहोगे आप नई जोड़े को? जी बिल्कुल देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जो लाइफ में बार बार नहीं आता है, एक ही बार आता है। मेरी तरफ से ऋषि और प्रिया दोनों बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान ये जोड़ी बनाए रखे, ज़िंदगी भर खुश रखें, वो लोग एक दूसरे से खुश रहें, मेरी यही शुभकामना। काफ़ी लेट आए प्रवेश लाल यादव। एक्चुअली मैं गया हुआ था पंचगनी, तो थोड़ा आने में लेट हुआ, लेकिन मैं तो सोचा कि पहुंच जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज ही गया और आज ही आया। तो विकास भाई भी थे साथ में जी, तो इसलिए लेट हुआ थोड़ा, लेकिन बॉम्बे में 12 बजे कोई लेट नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं खुद 5 बजे से। विकास जी शुभकामनाएं देना चाहते हो आप नए जोड़े को? बिल्कुल सर, ऋषि और प्रिया को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, उनका जीवन खुशमय हो, खुशहाली हो, आनंद से जीवन व्यतीत करें, यही प्रार्थना करूँगा। एक बार प्रवेश जी, सबसे इंटरेस्टिंग शादी, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग खास शादी जो जहन में याद हो प्रवेश लाल यादव बताना चाहें? इंटरेस्टिंग शादी अपने बड़े भाई दिनेश लाल यादव हैं, उनकी बताना चाहूँगा जी, क्योंकि उनकी शादी में जून का महीना था, लगभग कितना जून था मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग के गांव में जून जुलाई में खूब बारिश होती जी है। तो मुझे याद है कि जब हम लोग बारात लेके गए थे तो पूरा चारपाई उरपाई अच्छे से लगा था, तंबू लगा था, लेकिन जैसे ही खाना वाना खा गए और सब लोग गए सोने के लिए, इतना बारिश हुआ कि मतलब सारी चारपाई का पैर जो था वो ऊपर था, और जो बाराती लोग थे वो डंडा पकड़ के खड़े थे, और भैया भी भीग गए थे यहाँ तक की। तो वो मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता मैं। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये स्टोरी है।